हम सबों के। वरिण्य गुरु भ्राता श्री हरिंद्रानंद जी ने जो संवाद दिया है जन जन को शिव गुरु से जोड़ने का संकल्प लिया है, इस संकल्प को हम सबों को दोहराना है और अपने अंदर में उतारना है। शिव जन जन के गुरु हो जाए, यही हम सबों की कामना होगी। और वरेण्य गुरु भ्राता श्री हरिनारायण जी ने जो है संवाद हम सबों को दिया है, वैसे तो ढेर सारे ग्रंथों में लिखे धरे पड़े हैं, ढेर सारे शिव शिष्यों की सूची आई है, लेकिन किसी ने यह नहीं लिखा, किसी ने यह नहीं कहा कि शिव हमारे गुरु हैं, आपसे भी गुरु हो सकते हैं। विगत 10,000 वर्षों में यह कार्य वरेण्य गुरु भ्राता श्री हरिंद्रानंद जी ने जो किया है, उसके हम सभी भाई बहन उनके ऋणी हैं। यह ऋण हम लोग कभी नहीं चुका सकेंगे। खासकर मैं अपनी माँ बहनों से यह कहना चाहूंगी कि यह अमूल्य समय आप सबों ने जो दिया है, भाइयों ने जो दिया है, यह बड़ा ही सराहनीय है। फिर भी माँ बहनों को यह समझना चाहिए कि हम लोग इतनी परेशानी में, इतनी ठंड में नन्हे नन्हे छोटे छोटे बच्चों को लेकर आए हैं और यहाँ शिव गुरु की चर्चा हो रही है, इससे हम लोग लाभ कम उठा रहे हैं। वैसे यह पहली बार है, शायद इसमें हम लोगों को सुधार करना चाहिए। जन जन को अपने गुरु से जोड़ने का प्रयास करना चाहिए और भाइयों को साथ देना चाहिए। हमारी बहनों और भाइयों का साथ रहेगा शिव गुरु चर्चा, शिव गुरु का संवाद जन जन तक पहुंचाया जाना ही हमारी सार्थकता होगी। और मैं अपने गुरु देवादिदेव महादेव से आप सभी भाई बहनों के लिए दया की याचना करूंगी कि शिव आप सबों में गुरु रूप में उतर जाए, आपका जीवन धन्य हो जाए, शिवमय हो, सुखमय हो, एक सुगंध फैले। इन्हीं कामनाओं के साथ मैं अपने गुरु महादेव को प्रणाम करती हूँ और आप सभी भाई बहनों को मेरा साथ। मन से भी पकड़ में नहीं आता। अब देखिए, जैसे इंसान बना, जैसे हम आप बने, हमारी आपकी क्या स्थिति है? हम समझते हैं कि हम चाहते हैं इसीलिए ऐसा होता है। हम समझते हैं कि हमने शिव गुरु की बात शुरू की तो इतने लोगों ने शिव को अपना गुरु माना।
आप सोचिए तो जरा, ये हम कितनी देर तक हमारे साथ रहेगा? एक दिन हमारा सब कुछ यही रह जाएगा और हम आप ना रहेंगे, हमारे पूर्वज नहीं रहे हैं, चले गए वो। यानी उस दिन तो समझ में आएगी बात की आए थे दूसरे की इच्छा से, अब अपनी इच्छा से नहीं रह रहे हैं, जाना पड़ रहा है और चले। देर हो चुकी होती है, चला चली का बेला है, कहां वक्त मिलता है यह सोचने का कि कोई ले जा रहा है, समझ नहीं पाए कि किसी दूसरे की पकड़ हम पर आप पर है, नहीं समझ पाए। कहने का अर्थ हुआ कि वह परमात्मा जिसने जगत को सृष्ट किया है, हमारे आपके रूप में भी एक छोटा परमात्मा सृष्ट करता है। कल मैंने कहा है कि परमात्मा ने जितना कुछ बनाया है, इंसान ने भी कम नहीं बनाया। जिस तरह से परमात्मा सृष्ट करता है, रखता है और पल प्रतिपल ये सृष्टि टूट रही है, जिस तरह उसकी इच्छा मात्र से सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति और लय का क्रम पल प्रतिपल चल रहा है, हमारी इच्छा से भी ये माइक बना है, ये शामियाना बना है, ये कपड़े बने हैं, जब तक चाहेंगे रखेंगे, जब मन करेगा हटा के तोड़ देंगे। देखिए, हम लोग भी छोटे मोटे परमात्मा के रूप में काम करते हैं, जाने को जाएंगे, लेकिन जब तक रहेंगे तब तक समझते हैं हम जे चाहे से करे, हम जे चाहिला से होला। ऐसे लोग नहीं है क्या? है, खूब है। हमारा आपका कर्ता मन नहीं समझता है कि ये कर्ता कर्म है, कर्ता तो कोई दूसरा कोई है। जिस दिन जाना होता है उस दिन, उस समय एक क्षण को समझ में आता है कि सब बेटा मेहरारू संपत्ति रहते चाहते कि रोही, नहीं रहना पड़ता है, यहां से हम आप चले जाते हैं। यानी वह परमात्मा जो मूल करता है, कर्ता मन जो कर्म करेला, वह परमात्मा जो मूल करता है, इंसान के रूप में भी वह कर्ता के रूप में आता है। पेड़ के बीए से एक नया पेड़ निकला है, उसका अपना अलग अस्तित्व बनता है। लेकिन जब हम आप हारते हैं, जब जीवन का अंतिम क्षण आता है, या जब हम आप कोशिश करके थक हार जाते हैं, जब डॉक्टर्स ये कह देते हैं कि इनको ले जाइए घर, अब इनका इलाज संभव नहीं है, तो हमारा मन ये सोचने लगता है कि केने गेलथिन महादेव, केने गेलथिन भगवान, अगर मदद कर देते तो शायद मेरा जीवन बच जाता। यानी उस समय आपकी फुटानी, हमारी फुटानी खत्म हो जाती, हम किसी दूसरे के सहारे चले जाते हैं, सोचते हैं कि अब दुनिया के लोग मुझको नहीं बचा सकते। हमारी लाख कोशिशों के बाद भी जब हम कुछ अपने मन के अनुकूल नहीं कर पाते हैं, तब मेरा मन, आपका मन हारने लगता है, सोचता है कि कोई मदद कर देता। और जब दुनिया कहती है कि हम मदद की स्थिति में आपके नहीं है, नहीं कर सकते, सामर्थ्य नहीं है हमारे आपके पास, तब हम क्या करते हैं? ईश्वर को ढूंढते हैं, ईश्वर की ओर, उनसे प्रार्थना की स्थिति में आते हैं। वही परमात्मा हमारे आपके रूप में जब यूनिट में हारता है, इकाई में हारता है, तो खुदा की तलाश करता है, भगवान की तलाश में चलता है। भगवान बुद्ध को जब सारथी ने कहा था कि आदमी मर गया और संसार के और लोग भी मरेंगे, भगवान बुद्ध ने कहा कि जब मर ही जाना है तो पहले मौत को ढूंढ लेते हैं। यानी किसी ने इस दिशा में खोज की, किसी ने हार के खोज की। भगवान बुद्ध हारे नहीं, उन्होंने खोज की परमात्मा की, उसने खोज किया कि दुख क्या है, दुख से भाग गए, आनंद में चले। अब देखिए, कोई आदमी ढूंढ रहा है उस परमात्मा को, ये हार गया है। जब आप थक गए हैं, हार गए हैं, श्रांत क्लांत हो गए हैं, अब आपसे हमसे कुछ नहीं होने वाला है, अब लाख कोई कहेगा मुझ मेरे साथ क्या हुआ था, मैंने जब शिव को गुरु माना और
बहुत नमः शिवाय मंत्रों का जप किया और रिजल्ट मुझको नहीं आने लगे, मुझको लगा कि मैं और उलझता चला जा रहा हूँ। हमने कहा कि हे महादेव, हम तो फौसा